डायनासोर की उत्पत्ति का चलेगा पता। वैज्ञानिकों ने पूर्व जीवाश्म को खोजा। डायनासोर और टेरोसोर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशालकाय जीव की तस्वीर उमड़ती है। अवधारणा है कि डायनासोर टनों वजनी होते थे और हवा में उड़ सकते थे, लेकिन एक नई वर्णित प्रजाति जो लगभग 237 मिलियन साल पहले रहती थी, यह बताती है कि उनकी उत्पत्ति बेहद छोटे पूर्वजों से हुई थी। यह जीवाश्म सरीसृप प्रजाति जिसका नाम कोंगोन फॉनकेली है, जो सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा है। इससे टायरोसोर्स में उड़ान की उत्पत्ति, दोनों टायरोसोर्स और डायनासोर दोनों पर फज की उपस्थिति के अध्ययन में मदद मिल सकती है। नॉर्थ कैरोलिना म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज में जीवाश्म विज्ञान में एक शोध क्यूरेटर और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक पूर्व गैरस्टन स्कॉलर क्रिश्चियन कमेर ने कहा, जायंट्स के रूप में डायनासोर के बारे में एक सामान्य धारणा है, लेकिन यह नया जानवर डायनासोर और पटरोसोर के विचलन के बहुत करीब है और यह आश्चर्यजनक रूप से छोटा है। डायनासोर और टेरोसोर दोनों समूह और निथोडिया समूह के हैं। अब इसकी उत्पत्ति के पता चल सकेगा क्योंकि इस वंश की शुरू करने वाले जीवाश्म के कुछ नमूने मिले हैं। 1998 में मेडागास्कर में कोंगोन फॉन के जीवाश्म खोजे गए थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर के इस जीवाश्म स्थल से विश्व स्तर पर कुछ समय के अंतराल पर कुछ अद्भुत जीवाश्मों का निर्माण हुआ है, और इस छोटे से नमूने पर हमने गौर किया। हमें इन हड्डियों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कुछ समय लगा, लेकिन एक बार जब हमने किया तो यह स्पष्ट था कि हमारे पास कुछ अनोखा था और एक करीब से देखने लायक था।